चंद्रभान वेलकम, ध्रुव वेलकम, दीक्षा वेलकम, दिव्या वेलकम, और इति वेलकम, पलक मंगल वेलकम, प्राची पलक अग्रवाल, दो पलक हैं। वेरी गुड। चलो अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि जो रीजन था यहाँ पे कि छोटा सा पार्टिसिपेंट करने का, कि रिजल्ट के बाद क्या ऑब्जर्वेशन है जो मैंने नोटिस करी। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, सब अपने मतलब अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, जिनको जिनके यहाँ पे कोई साउंड का इश्यू नहीं है वो अपने एक दो अपने आप को अनम्यूट कर लो, नहीं तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था आपसे, सबसे पहले एक जो मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता हूँ ना जिसको भी, तो क्या है कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास वो पहुंच नहीं पाता ब्रॉडकास्ट से, तो हो सकता है उन्होंने व्हाट्सएप में कुछ अपने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया हो। तो अगर मैं नहीं करता तो आप अपने फ्रेंड्स को खुद फॉरवर्ड कर दिया करो, क्योंकि मैं तो ब्रॉडकास्ट से करता हूँ, एक एक बंदे को फॉरवर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, कोई छूट ही जाता है, तो ये चीज एक ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये जो मिशन 60 में हमने टेस्ट लिया है, टेस्ट नंबर 2 था, और टेस्ट नंबर 1 जब लिया था केवल 2 या 3 पार्टिसिपेंट थे, और टेस्ट नंबर 2 में अब तकरीबन 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, और 4-5 बंदे थे जिन्होंने टेस्ट देने से मना कर दिया, मतलब उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, डेट्स वाई। तो उन्होंने कहा कि सर बाद में दे देंगे। तो सबसे पहले दिव्या को कॉन्ग्रेचुलेशन। दिव्या अवेलेबल हो यहाँ पे? यस सर, हाँ, थैंक वेलकम। दिव्या प्राची दोनों के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है दिव्या प्राची ने, और थैंक यू फोर्टी सर। हाँ, ये 49, ये जो 46 है, 46 है, इति 46 है, 45 है, तो ये गीतिमा 43, मतलब 40 से ऊपर मैं कहूंगा कि आप सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी राइटिंग भी ठीक है, अच्छी मतलब लेजिबल फॉर्म में है, देखने में अच्छा लगता है। बस आपने के जो थोड़े से कम मार्क्स आए हैं वो इस वजह से है, उनका रीजन ये है कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, और इनमें से ज्यादातर एक ना एक क्वेश्चन है पुअर रीडिंग की वजह से, रीडिंग कहीं ना कहीं आपने कम किए, नहीं तो ये मार्क्स थोड़े से और ज्यादा अच्छे हो जाते। और बाकी जो है जैसे नीचे शिवाली है और अशोक है, ध्रुव है, तो इनके क्वेश्चन में काफी गलती है, और राइटिंग का भी थोड़ा सा इशू आया है, ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है ना। बाकी मैं यहाँ पे किसी की वीकनेस या स्ट्रेंथ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी सभी को उनके टेस्ट पे लिख के बता दी है, ठीक है ना। तो वो अपने आप अपने और खुद से अपने मैंने आंसर भी आपको शेयर कर दिए हैं, तो आप अपने आंसर से जो आंसर मैंने दिए हैं सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट के, उनको कंपैरिजन करना, आप काफी डिफरेंस नजर आएगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं सभी से कहना चाहता था, जिसके लिए यहाँ पे भी मैंने छोटा सा डिस्कशन रखा है, देखो आप में से क्या कहते हैं काफी स्टूडेंट अपने नोट्स देखना, और ये पलक है, मैं पलक का एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ये इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आप सभी को, तो यस हाँ दिख रहा है ना। हाँ, यस सर। तो यहाँ पे आप खुद देखो, सबसे पहले राइटिंग देखो, फिर देखो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से गैप दिया है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर पर्टिकुलर्स बनाया है, प्रॉपर अमाउंट बनाया है, और कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स, मतलब मैं प्रॉपर रीडिंग कर पा रहा हूँ। लेकिन जो ये स्टूडेंट नीचे मतलब 35 से नीचे थे ना, इनके एक दो को छोड़ के बाकी सभी के साथ दिक्कत थी, बहुत ही ज्यादा भिचकुच था, तो इस तरह नहीं लिखना है। और मैं स्पेसिफिकली फोन पे भी बोला था, और क्या कहते हैं नोट्स में भी लिखा था कि आपको हर क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, तो वो भी नहीं किया कुछ ने, तो एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने एक तो स्पेस की वजह से बहुत ज्यादा मिक्सअप कर देते हो, वो नहीं करना है, और अच्छे खासे स्पेस देना है आपको। जैसे ये प्रेजेंटेशन है, ये आप ही देखो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है, 6 में से आउट ऑफ 6 है, ठीक है ना, प्रॉपर इसने अच्छे से प्रेजेंट किया, हो सकता है बीच में मिस्टेक हो, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन के चलते वो मिस्टेक भी इसकी इग्नोरेबल है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा ये एक स्टूडेंट का और है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी राइटिंग इसकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इशू क्या आया है, इसने लड़की ने क्या कहते हैं एक क्वेश्चन को करने में, ये क्वेश्चन था 4 या 6 नंबर का था, क्वेश्चन नंबर 8, और इसने ये 2 पेज लिए पहले, और उसके बाद यहाँ पे 2 पेज लिए, ठीक है ना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये 4 पेज भर रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसी, तो उसमें ना आपको देखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 का है या 8 का है। अगर 8 नंबर के लिए आप 4 पेज राइट कर रहे हो तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पे 4 नंबर के लिए इसको मिला 1 है इसमें से, लेकिन इसमें पेज कितने भरे हैं, 4 पेज भरे भरे हैं। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है जब भी आप एग्जाम करोगे, कि आपको उतना ही लिखना है जितनी क्वेश्चन की वर्थ हो,
ठीक है ना सर, ये 6 मार्क्स का था क्वेश्चन। अच्छा 6 मार्क्स का था, कोई बात नहीं, 6 मार्क्स के लिए भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इतना नहीं होता, इतना नहीं होता, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको कि 6 नंबर के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स का है, 1 मार्क्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा एक पेज पे और अगले पेज पे उसके नोट्स आ जाएंगे, 8 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे प्रोवाइडेड वो क्वेश्चन आपने सही किया हो, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ तो ये मेरे को लगा कि आप इतने इतना ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी यहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन नंबर वो था SEZ DT AA, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये गलती की है कि 10AA इसमें मिलना ही नहीं था, लेकिन फिर भी 10AA का डिडक्शन आपने दे दिया, केवल ये पलक का, ये पलक कह रहा हूँ, ये ऊपर जो फर्स्ट है दिव्य, दिव्य आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा अभी ठीक है, ओके ओके ओके, तो ये केवल दिव्य ने ठीक किया था, बाकी सभी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन ठीक से रीडिंग नहीं किया ऐसा लगा मेरे को। अभी वॉइस क्लियर है ना? हाँ, बेटर है। अच्छा बेटर, वो मैंने तब मुंह के पास लगाया हुआ था लीड एक्चुअली, तो ओके। बाकी ये 2 पॉइंट था, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये टेस्ट बनाया था हमने आंसर वाला, और इसमें से ये क्या कहते हैं MCQ के, तो मैंने सभी को आंसर दे दिए, ठीक है ना, तो वो एक बार आप देख लेना कॉन्सेप्ट बुक से जिसके। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने ऑब्जर्व करी, जिन स्टूडेंट के एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स थे, मतलब 17, 18, 19, 20, उनके मार्क्स वाकई में बहुत ज्यादा है, 40 से प्लस है, 45 प्लस मार्क्स उन्हीं के हैं जिनके एमसीक्यू ज्यादा थे, अच्छे थे, तो एमसीक्यू पे फोकस सबसे ज्यादा रखना है, क्योंकि मैंने जितना भी टेस्ट चेक किया है अगर इसको देखा जाए, अगर आपने 30 में से 25 MCQ सही कर दिए तो भाई साहब 60 नंबर तो बहुत आसान है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे आपको जितना हो सके जितने इंस्टीट्यूट के MCQ हैं उन्हें तो करो करो, इसके अलावा अपने हिसाब से MCQ देख लो, कॉन्सेप्ट के पढ़ोगे। वॉइस नहीं आ रही है ठीक। बाकी को भी इश्यू है क्या वॉइस में भाई? क्लियर आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा कट रहा है बीच में। हाँ तो वो एक्चुअली हो सकता है किसी को, देखो मेरे यहाँ से क्लियर है और बाकी कुछ पार्टिसिपेंट्स को भी क्लियर आ रही है, तो हो सकता है किसी जिसको क्लियर ना आ रही हो उसके यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो, ठीक है ना, तो ट्राई कर लो सुनने का, कोशिश कर लो, यही कर सकते हैं, ठीक है ना डियर। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, MCQ अपने आप चेक कर लेना एक बार, और MCQ पे फोकस रखना है डायरेक्ट टेक्स्ट के या किसी भी पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा ये चैरिटेबल ट्रस्ट का जो एक क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, हालांकि थोड़ा सा नीचे एक जगह चेंज करना भूल गया था, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन मिला है वो मिला है 1/4/2016 को, ठीक है ना, 1/4/2016 को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिला है, और एप्लीकेशन उसकी गई थी 1 जनवरी 2010 को, सॉरी 1 अप्रैल 2010 को रजिस्ट्रेशन हुआ है और 1 जनवरी 2010 को उसको एप्लीकेशन गई थी, यानी 3 महीने पहले। तो मैंने ये बताया था कॉन्सेप्ट, जिस साल ट्रस्ट एप्लीकेशन देता है और उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है 12AA में, तो वो एप्लीकेशन वाले ईयर में भी एलिजिबल होता है डिडक्शन क्लेम करने में, एग्जेम्पशन क्लेम करने में सेक्शन नंबर 11 की और सेक्शन नंबर 12 की, ठीक है जी। और अकॉर्डिंगली जब वो एलिजिबल होता है तो उसकी अगर वो मतलब मर्ज हो जाता है उस एंटिटी के साथ जो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अकॉर्डिंगली उसकी इनकम एक्रेडिटेड भी बन जाएगी अगर उसने एसेट्स उस साल खरीदी है जिस साल उसने एप्लीकेशन दी है। तो ये पॉइंट था इम्पोर्टेंट जिसपे सबसे ज्यादा बच्चों ने पिछली बार एग्जाम में गलती करी थी, वही पॉइंट यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया था। और यहाँ पे ये जो लैंड थी ट्रस्ट के पास ये एग्जिस्टिंग थी 2005 से, यानी उसके एप्लीकेशन देने वाले साल से भी पहले, तो ये एक्रेडिटेड इनकम का पार्ट बिल्कुल नहीं मिलेगी। हालांकि मैंने नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखना भूल गया था, बट अंडरस्टूड है क्या कहते हैं, अगर आपने 2009 के हिसाब से दिया होता आंसर तो यहाँ पे किसी ने भी अज्यूम या नोट नहीं लिखा था, और अपने आप ही 2-3 स्टूडेंट ने अज्यूम कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 बार एक जो हिंट दिया था, तो ये 2005 के हिसाब से शायद 1 या 2 स्टूडेंट ने ही ये ठीक करा है, 2 या 3 ने किया, 3 ने किया, बाकी ने ये गलत किया है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है ज्यादातर स्टूडेंट ने, केवल 3-4 को छोड़ के जिन्होंने TDS रिवाइज नहीं किया था उनका ये यहाँ पे इशू आया, तो उनको स्पेसिफिकली मैंने लिखा है कि भाई आपको TDS रिवाइज करना है। देखो सबसे ज्यादा गलती करी है बच्चों ने यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था 3 मार्क्स के लिए था, किसी किसी ने इस पे तीन पेज भरे हैं जो कि नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी था,
तो सब किसी ने यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स में एजुकेशन सेस बहुत कम, एक या दो स्टूडेंट ने लगाया है, बाकी ने किसी ने नहीं लगाया। और एक प्रोस्पेक्टिव लिखा है, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं 20% लिख दिया तो 5% लिखना भूल गए, ठीक है ना। तो इस तरह का इश्यू हुआ है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और पेनल्टी के क्वेश्चन ज्यादातर सभी ने ठीक किया है यहाँ पे, इक्वलाइजेशन लेवी अच्छा कैलकुलेट किया है, लेकिन लेकिन उन्होंने सभी ने इंटरेस्ट में मंथ्स कैलकुलेट करने में गलती की है। किसी ने 9 मंथ ले लिया, किसी ने 7 मंथ ले लिया, तो भाई इसमें 8 मंथ आएगा, ठीक है ना। और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका, और नहीं अगर आइडिया तो यूट्यूब पे एक छोटी सी वीडियो पड़ी है मेरी, तो वहां से देख लेना। 7 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमें डिपॉजिट करना है, अगर नहीं किया तो 8 तारीख से हम मंथ काउंट करते हैं, ठीक है। पार्ट मंथ या फिर फुल मंथ के 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने अच्छा किया है जिन्होंने इसका प्रैक्टिस कर लिया था। बाकी क्वेश्चंस में, बाकी स्टूडेंट्स से इसमें दिक्कत करी है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ केवल 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सेक्शन 91 को की कंडीशंस जो है सेक्शन 91 की वो अच्छे से एक्सप्लेन करी है, जबकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उन्हीं कंडीशंस के ऊपर बेस्ड था। तो कुछ ने डायरेक्ट किया है, जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो आपको ध्यान देना है, नोट्स आपको प्रॉपर देने हैं। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, सेक्शन 91 प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको इन द गिवन केस करके इसको एक्सप्लेन करना था। कुछ ने किया है, ज्यादातर ने 91 सेक्शन को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, तो उनके मार्क्स वही 20-30 के रेंज में भी है, ठीक है। रियर ये यहाँ पे आंसर है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। अगर कोई इशू आ रहा है इस टेस्ट पेपर में मेरे को बताना। इन्वेस्टमेंट फंड में ज्यादातर बच्चों ने गलती की है, एक या दो स्टूडेंट का है जो कंप्लीट ठीक आंसर है, और नीचे तो मेरे को समझ में नहीं आया था सेकंड ईयर के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर के 1 साल के लिए पूछा था, लेकिन आपने सेकंड ईयर के नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके दिखाया है, अच्छी बात है, बट ज्यादातर स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती की है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो था मैंने लिखा था कि कमेंसमेंट हुआ है 2000 में, और यहाँ पे क्वेश्चन किसके लिए, असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी 15 साल बाद। तो भाई DTAA की एग्जेम्पशन नहीं, तो एग्जेम्पशन इसमें ज्यादातर बच्चों ने एग्जेम्पशन दे दी, ये गलती की है। इसके अलावा और क्या गलती है कि भाई कुछ ने तो इस पे AMT निकाला है। मैंने आपको कहा था कि AMT वही निकलेगा जहाँ पे 10AA की डिडक्शन मिले, आपको याद है कि AMT वही निकलेगा जहाँ पे 35AD की SSC डिडक्शन क्लेम करता है, 10AA की करता है, 80IS रीच की करता है, एक्सेप्ट की करता है, ठीक है। तो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, और ये आपके सभी के मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं। जिनका 45 से मार्क्स ऊपर है उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है और राइटिंग अच्छा है, और उनकी प्रेजेंटेशन मतलब वो गैप देते हैं अच्छे से, दैट्स वेरी गुड थिंग। और जिनके कम मार्क्स हैं उनको अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट करनी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगा था मेरे को जैसे उनपे कॉन्सेप्ट पूरे रिवाइज नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ हो सकता है उनके साथ इशू हो, ठीक है ना गाइस। तो ये एक छोटा सा हमारा डिस्कशन था। अब स्पेसिफिकली तो मैं किसी को कुछ आंसर पूछना हो रिलेटेड टू मतलब अदर देन टेस्ट पार्ट, क्योंकि टेस्ट में तो मैंने आपको सभी को आंसर भेज दिए, आप वहां से देख लेंगे, और जो जनरल ऑब्जर्वेशन थी मैंने बता दिया कि अच्छी प्रेजेंटेशन रखनी है, प्रॉपर नोट्स देने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 पेज लिख दो, 6 लाइन लिख दो, मोर देन इनफ है। और अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो उसका 1 पेज पे काम नहीं चलेगा, आपको उसका सेक्शन लिखना है, प्रॉपर नोट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है ना। और अभी आपने 2 टेस्ट दे दिए हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है, एक फर्स्ट टेस्ट तो स्मॉल चैप्टर्स का था, 5 या 10 केवल प्राची ने दिया था या 2-3 स्टूडेंट और थे उन्होंने दिया था, और इसके अलावा सेकंड टेस्ट में आप 13 या 15 पार्टिसिपेंट्स हो। और अब जो टेस्ट थर्ड होगा वो होगा, अभी जो हमने 15 चैप्टर कर लिए इसके अलावा रिमेनिंग जो 15-20 चैप्टर है उनका, और ठीक है, और फिर 4th या 5 चैप्टर होगा टेस्ट जो होगा वो पूरा का पूरा डायरेक्ट टेस्ट का होगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट 5 के 5 होंगे ये अभी 14th मई चल रहा है, ये हम कोशिश करेंगे कि 30 जून से पहले पहले हो जाए, 30 जून या 10 जून तक, सॉरी 30 जून या 10 जुलाई तक, ठीक है ना। तो अभी किसी को कुछ स्पेसिफिकली पूछना है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, और अदरवाइज सच बताऊं मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई है आप सभी की मेहनत देख के, मतलब इतने अच्छे से आपने यहाँ पे लिखा है, प्रेजेंटेशन दिया है, मेरे को स्कैन करके भेजा है, वाकई में बहुत चेक करने में मेरे को मजा आया कि आपने दिल से यहाँ पे मेहनत करी है, और आप सभी चाहते हो कि अच्छे मार्क्स लाए,
किसी भी हद तक ये चीज क्लियरली मेरे को दिख रही है यहाँ पे। तो सर आपकी मेहनत की वजह से ये पढ़ाई हो पा रही है हम लोगों की, तो थैंक यू चंद्रवान, थैंक यू। हम मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ कि आप जो हो बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरा भी यही हाल था और आपका भी यही हाल है। अगर मैं 80 प्लस या 70 प्लस 60 प्लस नंबर ला सकता हूँ आफ्टर फेलियर्स, तो आप भी आराम से ला सकते हैं। बस करना यही है, थोड़ा सा अपने को टाइट रखना है और जितना हो सके अटेम्प्ट देना है। 2-2.5 महीने बाद पेपर होंगे, ये चीज कन्फर्म्ड है। लॉकडाउन खुल गया है, ठीक है ना, इंटरनली, अब एक्सटर्नली भी खुल जाएगा और लॉकडाउन खुलेगा खुलेगा। तो अपॉर्चुनिटी जो है ना आपके पास, इसको अच्छे से ग्रैब कर लो। इंस्टीट्यूट का पेपर बिल्कुल बेसिक आएगा, ज्यादा क्वेश्चन मत करो। बीबी सर का कंपाइलर है, बढ़िया है। उसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन एमसीक्यू आरटीपी वगैरह के सब कुछ मर्ज करके आपको मैं चैप्टर वाइज दे रहा हूँ, वो कर लो। वो बीबी सर से थोड़े से एक्स्ट्रा है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो। मेरे को यही पूछना था कि जो आपने ये जो चैप्टर्स के थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो बीबी सर के कंपाइलर में नहीं है, हाँ, उनका एक मर्ज फॉर्म में कुछ मिल सकता है विद आंसर्स? मैं आपको दे रहा हूँ, अभी चंद्रभान को पता होगा, अभी जैसे जैसे हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक्चुअली सर्च कर करके देना पड़ता है मेरे को। मतलब पास्ट 5-6 साल के आरटीपी निकाले, उनमें से जो भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज अरेंज करना होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी एक्रेडिटेड इनकम का मैंने दे दिया है, एएमटी का मैंने दे दिया है, इसके अलावा भी जो स्मॉल चैप्टर है उनका भी मैंने दे दिया है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको कोशिश करूंगा बाकी जितना हो सके जल्दी हो सके बाकी भी प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ना। तो वो मिल जाएगा मेरे से, वो मिल जाएगा। उसमें एमटीपी और आरटीपी के ही क्वेश्चन जाते हैं स्टडी मैट के अलावा, ठीक है ना। स्टडी मैट बीबी सर ने कवर किया हुआ है, एमटीपी आरटीपी मैंने कवर किया हुआ है और पास एग्जामिनेशन, तो थोड़े से ज्यादा है, थोड़े से मतलब ऐसा है कि हमारे हल्के से 1.5 गुना बीबी सर से ज्यादा है क्वेश्चन से, तो उनको भी कर लेना तो वहां से आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा बस कुछ और पूछना है तो बताओ मेरे को। थैंक यू सो मच सर। अच्छा पहले थैंक यू सो मच एक्चुअली। और पल क्या ना, दिव्या पेटीएम आया नहीं आया तो कंफर्म कर दे यार। सर वो भी चेक नहीं किया, अभी करती हूँ क्लास के। अच्छा ठीक है ना। तो नेक्स्ट टेस्ट रखते हैं हम रिमेनिंग चैप्टर्स का, ठीक है ना, और वो रखते हैं तकरीबन आज से 15 दिन बाद रखें, बढ़िया रहेगा नहीं? या 10 बिल्कुल सही, 10 दिन तो कम हो जाएगा मेरे ख्याल से, टाइम 10 दिन तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो उसमें सारे टॉपिक्स आएंगे? नहीं सारे नहीं आएंगे, जो आज हमने कर लिए उनको हम छोड़ देंगे, जो आज हमने जो बड़े बड़े वाले हैं पीजीबीपी कैपिटल के वो सब। राइट तो उनको छोड़ देंगे। एक मिनट, एक चैट आई है किसी की, फर्स्ट टेस्ट वी हैवंट गिवन, तो दे सकते हैं। एक्चुअली गीतिमा टेस्ट देने में कुछ इतना आपको बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि जो वो फर्स्ट टेस्ट था वो काफी कम स्मॉल चैप्टर्स का था, मतलब केवल 6 या 7 उसमें चैप्टर्स कवर थे और वो सब आज वाले टेस्ट में कवर हो गए। तो अभी आप सेकंड टेस्ट दो, वो थर्ड टेस्ट देना, जो इसके अलावा जो 15 चैप्टर्स है इनके अलावा जो टॉपिक्स है मैं आपको भेज दूंगा उनका, और साथ साथ भी 4 या 5 टेस्ट देना जिसमें पूरा का पूरा डायरेक्ट टेक्स्ट कवर होगा, ठीक है ना गीतिका? ठीक है सर। और सर इंटरनेशनल टैक्सेशन भी आएगा क्या सर? आएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग हमने कवर नहीं करा, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट हमने कवर नहीं करा, अभी तो इक्वलाइजेशन या DTAA हुआ है केवल, ठीक है ना। तो इक्वलाइजेशन DTAA छोड़ देंगे और बाकी जो 18 या 20 टॉपिक्स है वो कर लेंगे हम। तो उसके लिए हम बीच में ये 15 दिन जो कमिंग आने वाले हैं हम सेशन रखेंगे, वो जो हम हर अल्टरनेटिव डेज में रखते हैं, 1 या 1.5 घंटे की क्लास जो रखते हैं वो हम रखेंगे प्रॉपर, और वही कोशिश करेंगे जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनका ही कंटेंट तैयार करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो इसके अलावा और बताओ क्या नाम है, ध्रुव आज बोला नहीं कुछ भी, ध्रुव नहीं बोला, दीक्षा कपूर नहीं बोले, पलक नहीं बोली? नहीं सर, अच्छा था टेस्ट, बढ़िया मजा आया। अच्छा सर, सबसे पहला बढ़िया मैंने ही बोला था। अच्छा, ओके। और सर बस एक ही चीज मेरे को बस बोलना था। हाँ बोलो। जो एमसीक्यू है ना सर, हाँ, हमारे जो एग्जाम में जो अभी आ रहे हैं वो थोड़े से बड़े आते हैं, मतलब प्रैक्टिकल थोड़ा कैलकुलेटिव बेस्ड आते हैं, टाइम ज्यादा लगता है उनमें। कोई दिक्कत नहीं, टाइम ज्यादा लगता है ना वहाँ पे, टाइम ज्यादा होता भी है,
ठीक है ना, वो 3 घंटे 3.25 घंटे वहां पे होते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू प्रैक्टिकल बेस्ड आ रहे हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड आ रहे हैं, वो ठीक है, वो दोनों मिक्सअप आएंगे, मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे 2 मार्क्स के भी होते हैं, वो हल्का सा बड़ा होता है, और 1 मार्क्स के मतलब अगर हम 60+ नंबर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें जितने भी एमसीक्यू है ना वो कर लो ढंग से। आईसीआई के तो एक भी छोड़ो मत, मतलब ऐसा नहीं हो कि मेरे को आईसीआई का नहीं आता। दूसरा क्या करना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि ये दो चीज जो है एमसीक्यू सब बच्चा करके जाएगा, तो वहां पे तुम कंपटीशन में बने नहीं रहोगे, तो उसमें तुम्हें एक गुंजाइश नहीं रखनी है। लेकिन इंटरनेशनल टैक्सेशन सभी बच्चे का वीक होता है, तो वो आपको बहुत बेहतर करना है उसमें जितना हो सके, तो ये चीज आपको एज देगा दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। और रही बात इसके अलावा स्मॉल चैप्टर की, वो सो हमने अच्छे से यहाँ पे करी ली है, और उनका बस क्या है, फ्रीक्वेंटली कभी भी मन करा यार, आप जैसे कभी भी 2 चैप्टर वाइज कर दिए, जैसे सुबह सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट कर दिया सुबह कोर्ट के, अगले दिन एक्रेडिटेड इनकम का 1 क्वेश्चन कर लिया, तो मतलब इस तरह, मतलब डायरेक्ट एग्जाम छोड़ना नहीं है, डेली करना है, चाहे 1 घंटा करना हो, चाहे आधे घंटे करना हो, चाहे 1 क्वेश्चन करना हो, क्योंकि जहां पे छोड़ देते ना वहां पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैंने तो यही किया था अपने टाइम में, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो गाइज ठीक है, आज मेरे को बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच। और अभी भी कोई किसी को पूछना है, थैंक यू सर, हाँ मैंने, थैंक यू सर, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन आपको अच्छी करनी है नेक्स्ट टेस्ट में, और बस यही है छोटा सा एडवाइस हमारा, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। अभी तो मैंने पूरे के पूरे ऑल इंडिया में एक स्टूडेंट के लिए सब कुछ, मतलब एक थोड़ा सा, मतलब हमने इनिशिएटिव लिया डायरेक्ट टैक्स का, तो अगर किसी को हेल्प चाहिए डायरेक्ट टैक्स में, तो हमारे ये जो फ्री क्लास होते हैं अल्टरनेटिव, जिसमें हम अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लेते हैं 1-1.5 घंटे में, तो उनका भी हेल्प हो जाएगा। और यूट्यूब पे भी मैं छोटा छोटा रेडी कर रहा हूँ, मतलब ताकि बैकअप के लिए स्टूडेंट को वहां से मिले, एक ही चैप्टर को मेरे को दोबारा पढ़ाना ना पड़े, तो ये छोटी इनकम डाला था आपने कल, हाँ तो इसी तरह मैं डालता रहता हूँ वहाँ पे, जब भी टाइम मिलता है ना दोस्त, तो मैं डालता रहता हूँ। सो गाइस ठीक है, फिर गुड नाइट कहें, बाकी एग्जाम्स फोकस करो, बाकी पेपर्स पे फोकस करो, ठीक है, कुछ पूछना है और ये, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो चलो फिर कब रहेगी अपनी, कल रहेगी या फिर परसों रहेगी, वही 1 घंटे के लिए मैं टॉपिक देखता हूँ कौन सा है। ओके ओके, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, ओके बाय 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 बाय।